मंडल के विस्तार की सुगबुगाहट अब दिखने लगी है। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, उनका राजधानी में आना अब जारी है। चंबल अंचल से आने वाले सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी आज इन अटकलों के बीच राजधानी भोपाल पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हठधर्मिता के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री इमरती देवी। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, भोपाल वो आई हुई है, जाने की कोशिश करते हैं। सर, स्वराज में आपका स्वागत है। कैसे देखती हैं, कुछ ही दिन बाद इलेक्शन होने हैं आपके क्षेत्र में और 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से और भाजपा का दामन थाम लिया है, क्या सिचुएशन है अभी आप अपने क्षेत्र में रही हैं और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, दोनों सवालों के जवाब क्या कैसे देखती हैं आप? जो हमारे 24 विधानसभा में चुनाव होना है, 24 में से मैं खुद को समझती हूँ कि कोई कुछ भी कर रहा है, 24 की 24 सीटें बीजेपी जीत के आएगी और रही मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो जो नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व है बीजेपी का, उनकी जैसी मंशा होगी जब करना है जब करे, लेकिन हम सब लोग तो अपने अपने काम में, अपने अपने क्षेत्र में, कोरोना फैला है तो गरीब लोगों के यहाँ जाना आना, आदिवासी हो चाहे एससी हो, उनको खाना आना बंटवाना, गेहूँ जो हमारी सरकार से गेहूँ जा रहे उनको बंटवाना, सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं, तो हम पूरी की पूरी सीटें जीत गए। अभी बकायदा कमलनाथ के जो पीसी अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भाजपा में लोग गए हैं वो हमारे लोग थे और भाजपा के लोगों ने जबरदस्ती तोड़ के खरीद फरोख्त करके उन्हें अपने साथ ले गए, इसलिए हमारी सरकार गिरी है, तो इन सब सवालों के जवाब कैसे देना चाहते हैं आप? नहीं, अच्छा पहले बीएसपी के लोग कांग्रेस में गए हुए दिग्विजय सिंह के साथ, तो उन्होंने शायद ऐसा करा होगा खरीद फरोख्त, तो वो जानते हैं, लेकिन हम सभी के सभी विधायक और छह के छह मंत्री बिल्कुल जैसे सिंधिया जी ने कहा है, और हम अपने नेता के साथ गए, अपने नेता का सम्मान बढ़ाने के लिए गए, जो इनने हमारे नेता के साथ गलत व्यवहार किया उसका उनको जवाब देने के लिए हम भाजपा में गए हैं और अब हमने भाजपा का दामन थामा है, तो जिस तरीके से हम कांग्रेस में काम कर रहे थे उसी तरीके से भाजपा में हम काम करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे, जनता के बीच में जैसा हम चाहते हैं कि हम 62,000 से जीते थे, लेकिन अब हम कांग्रेस वालों को भी चुनौती देते हैं कि 62 से ज्यादा ही से जीत के आएंगे, कम से नहीं जीतेंगे, लेकिन एक अच्छा नेता कांग्रेस ने खोया है जाके लिए वो बड़बड़ा रहे। एक बड़ा सवाल ये होता है कि अभी कांग्रेस बराबर आरोप ये लगा रही है कि चूंकि 24 विधायक हैं जिसमें से 22 विधायक भाजपा में गए हैं, उनका कहना यह है कि हम लगभग 18 से 20 विधायक जीत के आएंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे, तो आपको चूंकि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या विधायकों की है वो चंबल अंचल की है, वहां की आप प्रमुख नेता हैं और बराबर जीतती चली आ रही, बंपर वोटों से आप जीतती रही हैं, तो आपको क्या लगता है 16 वहां है लगभग, तो आप कितनी मानती है 16 में से कितने विधायक जीत के आएंगे इस बार? ऐसा तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं कि वो तो कह रहे हैं हम 16 की 16 जीतेंगे, लेकिन वो 16 में से हमारे श्रीमान ज्योतिराव सिंधिया इतने अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, एससी के मसीहा हैं, और जो काम वो करते हैं वो करके बताते हैं। जब कमलनाथ जी ने उन्हें एक वो दिया था कि जा उतरने तो उतर जाओ, आपने देखा है जब वो उतरे हैं ना तो कांग्रेस की नैया डुबा के चले गए, ऐसे ही 16 की 16 सीटें श्रीमान ज्योतिराव सिंधिया, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, हमारे केंद्र के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, नरोत्तम जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मुरैने से हैं, सब लोग जब लगेंगे ना तो 16 की 16 ही जीत के आएंगे, एक भी नहीं ले जा पा रहा कांग्रेस कितनी भी बड़बड़ाते रहे। 2018 में इलेक्शन हुए थे, चंबल अंचल ने जीत दिलाई थी, सरकार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, इसके बाद प्रदेश में ही सरकार चंबल अंचल ने गिराई, फिर क्या क्या संभावना लग रही है आपको, दोबारा फिर सरकार बनेगी? जो वो कह रहे हैं कि अब भाजपा बराबर 3.5 साल सरकार बनाएगी, सरकार चलाएगी, तो लगता है कि 16 सीटें पूरी जीत के आएगी, क्योंकि चंबल अंचल का काफी बड़ा बचत है, नरेंद्र सिंह तोमर वहीं से आते हैं, प्रभात झा वहीं से आते हैं, अब ज्योतिराव सिंधिया भी वहीं से आने लगे हैं भाजपा में, तो कैसे देखते हैं पूरे सिचुएशन को? नहीं, आप देख लेना कांग्रेस 15 साल को पहले गई थी, अब कांग्रेस 20 साल को चलेगी, सरकार बीजेपी की रहेगी और बहुत अच्छे से चलेगी, और अब तो कांग्रेस वाले सपने देखते रहे, जितने सपने देखना है उन्हीं में मस्त रहे। अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है?
जब भी हमने बताया है ना, जब भी हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बीजेपी का चाहेगा जब ही हो जाएगा, और हमारे महाराज चाहेंगे जब हो जाएगा। तो आपको बुलाया गया है क्या? नहीं, अभी नहीं बुलाया गया, मेरा काम था, मैं अपने बंगले पे बहुत जरूरी काम से आई थी, और सम्माननीय बड़े भाई साहब कह लो चाहे मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह का भाभी जी का एनिवर्सरी थी, इसलिए मैं उनसे मिलने आई। अच्छा, कौन सा विभाग चाहिए आपको इस बार? मैंने तो बताया है कि जो सम्मानी हमारे नेतन के वरिष्ठ नेता इतने हैं बीजेपी के, हमारे महाराज साहब भी बीजेपी में, जो उनके नेतृत्व में जो विभाग मिलेगा भी उसे बहुत, जैसे मैंने महिला बाल विकास बिला था कांग्रेस पार्टी में, तो आपने देखा होगा महिला बाल विकास में मैं केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस की मैं मंत्री थी, फिर भी मैं अवार्ड लेके आई हूँ दिल्ली से, और जौन सा विभाग अगर देते हैं उस विभाग को मैं बड़ी जिम्मेवारी से चलाऊंगी, और जैसे मैंने कांग्रेस में महिला बाल विकास चलाया है, जो भी विभाग दे मैं किसी विभाग की मांग नहीं करती। सब आरोप लगे थे आपके विभाग के ऊपर, मोबाइल खरीदी की आपने, उसका स्पष्टीकरण किया था, क्या मामला था पूरा? नहीं, वो मोबाइल खरीदने की, जब मैं गुना में, मैं वहाँ की प्रभारी मंत्री भी थी और महिला बाल विकास की मंत्री थी, मैंने एक सखी संवाद का प्रोग्राम रखा था गुना में, जब मैंने कहा, सब हमारी महिलाओं ने कही थी कि हम पे 11-12 रजिस्टर है, इतने रजिस्टर ले आने में हमें बड़ी परेशानी होती, तो हमने की थी चिंता मत करो, हम तुम्हें मोबाइल चलाएंगे, अच्छे से अच्छा मोबाइल जिससे तुम काम करोगी और आपके ये रजिस्टर सब रह गए। जब मोबाइल खरीदने की बात आई, जब मोबाइल की बात आई तो इतना घटिया मोबाइल वो देना चाह रहे थे कि जिसके तो सब सेंटर भी नहीं थे, एक इंदौर में था एक भोपाल में, ऐसे अब ग्वालियर की, मुरैने की, झाकी मेला, छिंदवाड़ा की मोबाइल खराब हो तो उधर थोड़ी जाती। इसके लिए जब मैंने वो मोबाइल की घोषणा करी, उसको देना चाहा, तो मैंने मना कर दी थी कि नहीं, ये मोबाइल नहीं चाहिए और ये मोबाइल हमारी महिलाएं नहीं चला पाएंगी। तो सम्माननीय शिवराज सिंह को इस मोबाइल की सूचना मिली और ये खराब था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे साथ थी मर्ति देवी, बस कुछ ही दिनों की बात है, वो पूर्व मंत्री से फिर मंत्री हो जाएंगे। साफ तौर पर उनका संदेश यही है कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा वैसा वो काम करेंगी, उन्हें कभी पद का लालच नहीं रहा है। साफ तौर पर वो सिंधिया समर्थक हैं, सिंधिया समर्थक थी और सिंधिया समर्थक रहेंगी। साफ तौर पर कह सकते हैं चंबन अंचल का वर्चस्व रहा है, चंबन अंचल ने ही पहले कांग्रेस सरकार बनाई थी, इसके बाद कांग्रेस सरकार गिराने में भी चंबन अंचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसके बाद फिर चंबन अंचल पर पूरा दारोमदार देखना यह होगा कि आने वाले उपचुनाव में ये गुट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अरविंद चौ। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी।